गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीड अबाउट द टॉपिक आर्टिकल। आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। बीते कल जो लास्ट क्लास थी अपनी, उसमें हमने स्पीच के बारे में अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था स्पीच और आर्टिकल दोनों ओब्लिक में आते हैं, यानी कि स्पीच और आर्टिकल में से आपको किसी एक का चयन करना है। जब आपका बोर्ड का पेपर होता है एग्जाम के अंदर आर्टिकल और स्पीच ओब्लिक में आते हैं। और मैंने आपको बताया था 7 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। और दोनों में से आपको एक का चयन करना है, यानी कि आर्टिकल और स्पीच में से एक ही करना है। अब कल हमने स्पीच के बारे में पढ़ा था, आज हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि तो मान लो अगर आप किसी कारण से स्पीच नहीं कर पाते हो तो उस समय आप आर्टिकल का चयन कर सकते हो। आर्टिकल के बारे में मैं आपको बता दूं, व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन। आर्टिकल जो है पीस ऑफ राइटिंग इन न्यूज़पेपर और मैगजीन, न्यूज़पेपर के अंदर या किसी मैगजीन पत्रिका के अंदर जो लेख लिखे जाते हैं उनको हम आर्टिकल कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड मैगजीन आर्टिकल। दो प्रकार के हैं, एक तो न्यूज़पेपर आर्टिकल और दूसरा होता है मैगजीन आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल और मैगजीन आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में मैंने बता दिया, व्हाट इज आर्टिकल, आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन। अब विशेष चीज क्या ध्यान रखनी है, किस प्रकार हमें अपने नोटबुक में लिखना है एग्जाम के दौरान। सबसे बड़ी चीज है आर्टिकल लिखते समय आपकी जो लैंग्वेज है, भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए। इसके अलावा भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। आज हम जो आर्टिकल है वो हमारा जो टॉपिक आर्टिकल का वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। आज के अपना आर्टिकल का टॉपिक क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि स्पीच की तरह आर्टिकल से आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। अपना जो क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल इन 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के महत्व के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है। कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का। विशेष ध्यान रखना है कितने शब्दों में है, 100 वर्ड्स। तो आर्टिकल लिखते समय बिल्कुल प्रकार हम पैराग्राफ लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना है। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन देखिए, साइंस हैज गिवन अस मैनी थिंग्स, साइंस हैज गिवन अस मैनी थिंग्स, विज्ञान ने हमें बहुत सारी वस्तुएं दी है। कंप्यूटर इज वन ऑफ इट्स, कंप्यूटर उनमें एक है। लेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बींग, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बींग। पहली लाइन क्या थी? साइंस हैज गिवन अस मैनी थिंग्स, विज्ञान ने हमें बहुत सी वस्तुएं दी है। सेकेंड लाइन है, कंप्यूटर इज वन ऑफ इट्स लेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, मानव के समाज को इसकी न्यूनतम देनों में से एक कंप्यूटर की प्रस्तुति है। यानी कंप्यूटर इज वन ऑफ इट्स लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का मतलब हो गया मानव प्रजाति से। तो मानव के समाज को इसकी नवीनतम क्षेत्रों में जो प्रस्तुति है उनमें से कंप्यूटर एक है। द प्रेजेंट एज एंड विल, द प्रेजेंट एज कैन वेल बी कॉल्ड द एज ऑफ कंप्यूटर्स, वर्तमान जो युग है वो कंप्यूटर का युग कहलाता है। क्या कह सकते हैं? वर्तमान युग को ठीक
ठाक रूप से कंप्यूटर का युग कहा जा सकता है। अब इसके बाद में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर लिखना है, कंप्यूटर का महत्व क्या है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोक्योर टिकट्स टू ट्रेवल बाय ट्रेन और बाय एरोप्लेन एंड टू सी पिक्चर्स इन द सिनेमा हाउसेस। फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या होता है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोक्योर टिकट्स टू ट्रेवल बाय ट्रेन और इट्स एरोप्लेन एंड टू सी पिक्चर्स इन द सिनेमा हाउसेस। रेल के टिकट्स पहला क्या लिखा है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू प्रोक्योर टिकट्स टू ट्रेवल बाय ट्रेन, तो रेल के टिकट, हवाई जहाज के टिकट व सिनेमा घरों में फिल्म देखने के लिए टिकट प्राप्त करने में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन, कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड टू परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड टू रिसीव एंड मेक पेमेंट्स। हमारे पास है कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड टू परचेजिंग का मतलब खरीदना एंड सेलिंग बेचना, गुड्स का मतलब वस्तुएं एंड टू रिसीव का मतलब हो गया प्राप्त करना एंड मेक पेमेंट्स का मतलब वेतन से है, तो मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर आर आल्सो यूज्ड टू परचेजिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड टू रिसीव एंड मेक पेमेंट। कहने का मतलब है कंप्यूटर का उपयोग वस्तुओं को बेचने, सेलिंग का मतलब बेचने व परचेजिंग खरीदने एवं भुगतान प्राप्त करने एवं भुगतान देने में भी किया जाता है। भुगतान प्राप्त करने और भुगतान देने में भी किया जाता है। नेक्स्ट लाइन है, द ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स यूज कंप्यूटर टू हैव द नॉलेज ऑफ स्टॉक ऑफ दियर गुड्स। जो व्यापारी होते हैं या दुकानदार जो है वो कंप्यूटर का उपयोग अपने स्टॉक की जानकारी रखने या जानकारी करने व रखने में भी या भुगतान करने में भी करते हैं। द ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर यूज कंप्यूटर्स टू हैव द नॉलेज ऑफ द स्टॉक ऑफ दियर गुड्स। गुड्स का मतलब वस्तुएं, स्टॉक ऑफ दियर गुड्स। व्यापारी जो है, दुकानदार जो है वो अपने स्टॉक की जानकारी, ग्राहकों की जानकारी रखने या बिल प्राप्त करने कई चीजों में उपयोग करते आगे आ जाएगा। कंप्यूटर्स टू हैव द ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर यूज कंप्यूटर्स टू हैव नॉलेज ऑफ दियर स्टॉक ऑफ दियर गुड्स। आगे देखो, नॉलेज ऑफ दियर कस्टमर्स का मतलब ग्राहक से हो गया, नॉलेज का मतलब जानकारी से हो गया। तो दुकानदार अपने ग्राहकों की जानकारी एंड प्रिपेयरिंग बिल्स, बिल बनाने के लिए दुकानदार जो है कंप्यूटर का उपयोग बिल बनाने, अपने ग्राहकों की जानकारी रखने और अपने स्टॉक की जानकारी रखने के लिए करते हैं। द बैंकिंग सिस्टम हैज बिकम फुली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स। बैंकिंग जो प्रणाली है वो पूर्णतः कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड है, डिपेंडेंट का मतलब निर्भर है। तो बैंकिंग प्रणाली भी कंप्यूटर के ऊपर पूर्णतः निर्भर है, बैंकिंग प्रणाली की पूरी जानकारी कंप्यूटरों पर निर्भर है। इसके अलावा देखते हैं, देखो, इट सर्व्स एज ए टीचर, इट इज रियली ग्रेट एंड वैल्यूएबल। लास्ट टाइम देखिए, इट सर्व्स एज टीचर इट इज रियली ग्रेट एंड वैल्यूएबल। यह एक शिक्षक की तरह सेवा कार्य करता है, यह वास्तव में महान एंड वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान है, यह वास्तव में महान एवं मूल्यवान है। तो इस प्रकार से हम जो है कंप्यूटर की इंपोर्टेंस के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं। एक बार मैं इसको पुनः रिपीट करता हूं, आप ध्यान से देखें।
क्वेश्चन आपको पता ही है, राइट एन आर्टिकल इन 100 वर्ड्स। आर्टिकल लिखना आपको, मैंने आपको बताया था आर्टिकल क्या है। आर्टिकल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल, दूसरा मैगजीन आर्टिकल। आर्टिकल एक प्रकार का लेख है। इन 100 वर्ड्स में लिखना आर्टिकल ऑन इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के महत्व के बारे में। ध्यान से देखिए, साइंस हैज गिवन अस मैनी थिंग्स, साइंस हैज गिवन अस मैनी थिंग्स, कंप्यूटर इज वन ऑफ इट्स लेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बींग। द प्रेजेंट एज कैन वेल बी कॉल्ड द एज ऑफ कंप्यूटर्स। वर्तमान युग जो है उसे कंप्यूटर का युग कहा जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रोक्योर टिकट्स टू ट्रेवल बाय ट्रेन और बाय एरोप्लेन एंड टू सी पिक्चर्स इन द सिनेमा हाउसेस, सिनेमा हॉल के लिए। कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज टू चेजिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड टू रिसीव एंड मेक पेमेंट्स। ये इंपॉर्टेंस है that traders and shopkeepers use computer to have the knowledge of their stocks of their goods, knowledge of their customers and preparing bills. The banking system has become fully dependent on computers. It serves as a teacher. It is really great and valuable. तो इस प्रकार से आपको जो है आर्टिकल लिखना है। मैंने आपको बता दिया आर्टिकल की सब सीमा 100 शब्द है और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आर्टिकल आपको लिखना है। 7 मार्क्स का है आर्टिकल। स्पीच दोनों ओब्लिक में आते हैं, दोनों में से एक को आपको चयन करना है। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ व्हाट इज आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन। आर्टिकल जो है एक टुकड़ा होता है जो न्यूज़पेपर या इसके अलावा मैगजीन में लिखा जाता है। नेक्स्ट बात आती है इसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या है। आर्टिकल का उद्देश्य जनता तक सूचना पहुंचाना होता है, किसी कार्य उद्देश्य या उनका मनोरंजन करना या उनको समझाना आदि इनका मुख्य उद्देश्य होता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल मैगजीन आर्टिकल। लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करनी है आपको, किस प्रकार की लैंग्वेज जो है इसमें यूज करनी है। आर्टिकल में आपको सरल यानी कि सिंपल व समृद्ध भाषा का यूज करना है, यानी कि जो लैंग्वेज है वो इफेक्टिव होनी चाहिए लेकिन इजी होनी चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल में आपको विशेष चीज ध्यान रखनी है, शब्द सीमा प्लस आपका सेंटेंस मेकिंग जो है वो विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेंटेंस आप अकॉर्डिंग टू ग्रामर बनाओगे। इसके अलावा इजी सेंटेंस का आपको यूज करना है, प्लस आर्टिकल लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक या किसी प्रकार की एरर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ग्रामर संबंधी हो या किसी फ्रेज या किसी अन्य टॉपिक संबंधी, तो ये विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको आर्टिकल पूछा जा सकता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके अलावा क्लीन इंडिया मिशन है, रोड सेफ्टी है, रोड सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है चाइल्ड लेबर के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम आर्टिकल तैयार करेंगे। टेलीविजन इसके यूज व मिस यूज आ सकता है। इसके अलावा ड्राइविंग एक्सीडेंट के बारे में आर्टिकल आ सकता है। तो कई प्रकार के टॉपिक जो है आर्टिकल के ऊपर बनते हैं। मैंने आपको बता दिया स्पीच और आर्टिकल दोनों में से एक का चयन करना है और जो टॉपिक आपके ध्यान में हो उसी के ऊपर आपको जो है परीक्षा में लिखना है। तो इसके अलावा मैंने आपको एक आर्टिकल आपको बता दिया है, कल मैंने आपको स्पीच के बारे में बताया था और आज जो है मैं आपको एक अन्य टॉपिक देता हूँ जिसको आपको अपने घर से तैयार करना है।
तो आप लिखिए जो गद्य तैयार करना है उसमें कौन सा है, राइट एन आर्टिकल इन 100 वर्ड्स ऑन इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। तो आर्टिकल जो है कौन सा निकला है, इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। आपको जो है इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी के ऊपर तैयार करना है, इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का क्या महत्व है उसके ऊपर तैयार करना है। ये आपको आपका होमवर्क है और घर से तैयार करना है आपको इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी के ऊपर आपको जो है एक आर्टिकल तैयार करना है 100 वर्ड्स का। इसमें आपको जो है पुस्तकालय का क्या महत्व है उसी प्रकार जो है लिखोगे, जिस प्रकार मैंने लिखा ना इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का क्या यूज है उसी प्रकार को आप लिखना है इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालय का क्या महत्व है ये आप जो है तैयार करोगे। इसमें आप लिख सकते हो लाइब्रेरी इज इंपोर्टेंट फॉर, लाइब्रेरी इज इंपोर्टेंट फॉर मेकिंग रीडिंग हैबिट इन स्टूडेंट्स, बाय दिस हैबिट देयर माइंड डेवलप्ड, द पावर ऑफ थॉट इंक्रीज्ड, लाइब्रेरी इज गुड एंड रिलायबल सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा स्टैटिक्स, इसके अलावा पिक्चर्स, इन दिस वे नॉलेज इज अपडेट, दे लर्न डिसिप्लिन। तो देर आर सो मैनी इंपॉर्टेंट्स ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी इज यूजफुल फॉर टीचर्स टू, अध्यापकों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन दिस वे लाइब्रेरी इज द हब ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्कूल, यानी स्कूल एक्टिविटीज का एक हब होता है जो है मुख्य केंद्र बिंदु होता है लाइब्रेरी। तो इस प्रकार से आपको जो है तैयार करना है। आप समझ गए होंगे अपना टॉपिक क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, लिखना क्या था आर्टिकल, कितने मार्क्स में लिखना है, सॉरी कितने वर्ड्स में लिखना है 100 वर्ड्स में, एग्जाम में कितने नंबर आता है 7 मार्क्स, किसके ओपनिंग में आ रहा है स्पीच के, स्पीच और आर्टिकल दोनों जो है अथवा में आएंगे, दोनों में से एक का चयन करना है। मैंने अभी क्या बताया इंपोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें कम से कम 10 से 12 लाइन होना अनिवार्य है, क्योंकि 10-12 लाइन के अंतर्गत आपके जो है 100 वर्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं। और मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए टॉपिक क्या दिया है, इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, इंपोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी के ऊपर आपको जो है तैयार करना है। ओके, और कल हम जो है नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ जो है यहाँ पर मौजूद होंगे। आपको अपनी सेल्फ स्टडी के दौरान उसको तैयार करना है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी दोनों आर्टिकल जो है तैयार करने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे, बाय।